क्या कहेंगे? अगर होलिये से मामला शुरू किया जाए, होलिया ऐसा क्यों इख्तियार किया आपने? मैं लोग ऐसा कह रहे करो बोल के कर रहा हूं, लेकिन शरीयत नहीं बोल रही ना। नहीं, लोग क्या कहेंगे ऐसा करूंगा, लेकिन शरीयत नहीं बोल रही है ना, बात भी तो समझो। बड़ा अजीब मामला है। मिसाल दे रहा हूं, मतलब किसी को खास टारगेट नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं बात सिर्फ समझने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सख्त वईद की कि आपने फरमाया कि वो हिस्सा पैर का या वो हिस्सा टखने से नीचे का जिस पर ईजार तहबंद पैंट पतलून पैजामा अगर लटके वो जहन्नुम में जलने वाला है। इसलिए कि मोमिन को टखने से ऊंचा पहनना वाजिब जरूरी है, याद रखे, वरना जहन्नुम में जाएंगे। ये हुक्म आ गया, लेकिन क्यों नहीं अमल करते अक्सर लोग? चलो मालूमात नहीं तो एक अलग बात है, लेकिन क्यों नहीं करते अमल अक्सर लोग? लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे शर्ट बड़े भाई का पहन लिया और पैंट छोटे भाई की पहन के आ गया। लोग क्या बोलेंगे? या लोग सवाल करेंगे मैं कपड़ा कम पड़ गया था क्या? अब किस किस को जवाब दूं मैं कि ये सुन्नत है भाई? लोग क्या कहेंगे? लेकिन ये दुनिया का मामला हो तो कोई अगर एक सेलिब्रिटी या स्टार किसी पैंट को ऊंची पहन ले 3/4 तो वो 3/4 फैशन बन जाता है। लेकिन वही चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि टखने से ऊंचा पहनो और इतना ऊंचा भी पहन सकते चाहे तो जो हाफ शिन आधी मच्छी तक आए ये भी दुरुस्त है, आधी मच्छी से लेकर टखने से ऊंचा, तो तब ये हमको नहीं जमेगा क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा करे दुनिया परस्त आदमी तो वो हमारे लिए लायक इत्तेबा हो जाता है। तो यहाँ भी लोगों का ही मसला है, लोग तारीफ करेंगे तो ऊंचा पहन रहा हूं, लोग क्या कहेंगे बोल के नीचे लटका रहा हूं। तो लिबास भी हमारा वो जो लोग क्या कहेंगे। बहुत सारी खवातीन लिबास के मामले में जो है इतना बेहया लिबास पहनती है जिसकी आस्तीनें गायब है, आस्तीनें गायब है। आजकल आस्तीन वाले ड्रेस बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि डिमांड ही बगैर आस्तीन का, तो आस्तीन वाले कहां से, फिर अलग से लेके लगाना पड़ता। लेकिन ये बेहाई है, लेकिन कैसे छोड़ सकते हैं? लोग क्या कहेंगे क्योंकि सब ऐसे ही करते हैं। हम अगर ऐसा करेंगे तो लोग बोलेंगे बुढ़े हो गए क्या अभी जवानी में, अभी तो शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, शादी के बाद ये सब करना, जब शादी के बाद 2-4 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद जब सफेद बाल होने चाहिए, फिर उसके बाद फला, तो वो हाथ पर कांपते भी जब तक अमल नहीं होता। क्यों? लोग क्या कहेंगे। इशू यही है, इशू यही है ना। बहुत सारे मुसलमान नौजवान दाढ़ी नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? लोग क्या कहेंगे। मसला लोगों का है, आप क्या वजह तो बताइए, नहीं लोग क्या कहेंगे। दादा को नहीं, अब्बा को नहीं, मैं कैसे रख सकता हूँ? अब्बा काट देंगे तो मैं सोऊंगा तो बोलेंगे अच्छा मेरे से आगे बढ़ रहा, चल होशियारी कर रहा। लोग क्या कहेंगे। मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं रखते तो मैं क्यों रखूँ? जरूरी है क्या? फुला है क्या? ये है क्या? वो है क्या? मैं तो वो सब बातें नहीं करता, मैं ये कहता हूँ जिसको मैं फॉलो करता हूँ ना, मेरे फॉलो करता हूँ, मैं जिसको आइडियल मानता हूँ, जिसको हीरो मानता हूँ, मेरा हीरो जो करे मुझे वो करना, मुझे खुशी होती बस। तो मेरी आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो दाढ़ी के साथ है तो मैं भी दाढ़ी के साथ हूँ। वो क्या है, फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, डिस्कशन में मैं जाता ही नहीं हूँ, उतनी डिटेलिंग की मुझे जरूरत भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। नबी ने किया। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।